स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा, जो कि अंडा पोहा होने वाला है। और ये शाम का स्नैक्स है जो अभी हम लोग करेंगे, तो मैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी आज आप लोग के साथ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो ये मेरी रेसिपी होगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आप लोग भी कुछ डिफरेंट स्टाइल या डिफरेंट वे से बनाते हैं तो आप लोग हमारे साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे भी। सो मैं इंस्टाग्राम अपना यहीं पे कहीं मेंशन कर दूंगी, इंस्टाग्राम आईडी। और तो आइए देखते हैं हमारा पोहा रेसिपी कैसा होता है, अंडा पोहा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो आपके साथ सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पहले उसको लाइक कर दें और पूरा देखें वीडियो, और साथ में कमेंट करके बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ एक पोहा। सो तो यहाँ पे मैंने दो अंडे को फोड़ के ले लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका अंडा बनाएंगे बिना प्याज। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ अपने स्वाद अनुसार, और उसके बाद लाल मिर्च ऐड कर दिया टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी, ब्लैक पेपर। अब हम इसको अच्छे से डालेंगे। ये मैंने पैन चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें मैं लगभग दो चम्मच दो चम्मच से अंदर से डालेंगे। उसमें हम डालेंगे राई, डालेंगे हम कच्चा आलू जो मैंने बहुत ही पतले पतले स्लाइस में इसको काट के रखा हुआ है, और इसको भूजेंगे हम लोग, क्योंकि पोहा में आलू थोड़ा सा रहता है तो वो क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्ट देता है, तो अच्छा लगता है। और इस पोहा में कभी कहीं सर्दियों में हम लोग गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं, गाजर गोभी। अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैं डालूंगी भी नहीं अभी, क्योंकि आलू और अंडा काफ़ी हैं। तो ये अभी भूजूंगी मैं इसको ढक के, तो थोड़ी देर तक भूजने दूंगी, मतलब सीझने तक, पक जाएगा अच्छे तक सब तक। करते हैं आप लोग देख सकते हैं हल्का ये पक गया है मेरा आलू, बस थोड़ा सा क्रिस्पी होने दूंगी मैं इसको पका के। इसे हम ढक के बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल भी सकता है। और अब हम इसमें प्याज और लहसुन ऐड करेंगे। प्याज ऐड कर दिया, लहसुन ऐड कर रही हूँ, और साथ में हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा स्पाइसी बनाना था, मैंने तीन हरी मिर्च को बारीक काट दिया है। प्याज थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, इसमें मैं टमाटो ऐड करूंगी, तो मैंने बहुत ही पकड़ पकड़े छोटे छोटे स्लाइस में कटा हुआ है। और टमाटर डालने के साथ ही मैं नमक ऐड करूंगी, मैं नमक ऐड करूंगी अपने स्वाद के अनुसार। आप अपना पोहा कितना लिया हुआ है और आप कितना नमक खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मैं ये थोड़ा सा कम नमक ऐड किया, क्योंकि मैंने अंडे में भी नमक डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मिक्सर के साथ पसंद है, तो मैं ये मिक्सर ऐड करूंगी। इसमें भी थोड़ा सा नमक होता है, इसलिए मैं नमक थोड़ा कम यूज कर रही हूँ अपने पोहे में। तो टमाटर जो पानी छोड़ेगा उसके साथ साथ में आलू जो थोड़े बहुत कच्चे रह गए होंगे वो अच्छे से इसमें पक जाएंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, बहुत थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर ऐड करूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च
और साथ में मैं थोड़ा सा जलजीरा पाउडर भी ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा खिलाने के लिए। टेस्ट का जलजीरा पाउडर है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी क्योंकि लास्ट में मेरे को नींबू भी ऐड करना है और अंडा है तो इसमें ज्यादा खट्टेपन की जरूरत नहीं है, बस मुझे पसंद है तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया हुआ है। बादाम भी इसमें जिनको पसंद है वो पहले रोस्ट करके अच्छे से रख सकते हैं। मेरे पास ये रोस्टेड रेडीमेड बादाम था तो मैंने इसे रोस्ट नहीं किया है और इसे मैं प्रेस कर ली हूँ अच्छे से। और इसको मैं ये थोड़ा सा टमाटर के ये पोहा मैंने भिंगो के रखा हुआ था धो के और इसमें हल्दी मैंने मिक्स किया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी। इसके साथ साथ ये हम अपना ऐड को भी ऐड करेंगे, साथ में क्रश किए हुए बादाम और ये मिक्सचर। हमारा पोहा रेडी हो गया है, अब लास्ट में हम इसमें हाफ कटा नींबू ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पोहा कितना मेरे हीरो को कैसा लगता है, खाने के लिए बेसब्री से इंतजार में बैठे हैं। तो टेस्ट करके बताइए कैसा लग रहा है। कलर तो बहुत ही बढ़िया है, टेस्ट देखते हैं। कलर देख के ऐसा लग रहा है कि टेस्ट ही बढ़िया होगा। कैसा? माइंड ब्लोइंग। कहाँ माइंड ब्लो हो रहा, मेरे को तो दिख नहीं रहा ब्लो किधर हो रहा आपका माइंड। चले चले गिर जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त शानदार जिंदाबाद। तो ये पोहा खाने के बाद मेरा तो बस यही कहना है आप लोगों से कि इस रेसिपी को देख के ना आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि पोहा बहुत ही टेस्टी बना है।